उदयपुर जिले की कानोर नगर पालिका में नगर पालिका द्वारा जारी फ्री होल्ड एवं 69A के पट्टों में धांधली को लेकर नगर पालिका के अधिकारी ने कानोर थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें शिकायत दर्ज कराई गई कि नगर पालिका की फर्जी सील और साइन करके पट्टे उठाकर उनका पंजीयन करवाया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब शिकायतकर्ता ने तहसील ऑफिस में तहसीलदार साहब को फर्जी पट्टे की शिकायत की। इस पर तहसीलदार रंजीत यादव ने कानोड़ अधिशासी अभियंता को पत्र लिखा, जिसमें 6 लोगों को जो पट्टे जारी किए गए उसकी मूल पत्रावली मांगी गई है। इस पत्र के बाद पूरी नगर पालिका में हड़कंप मच गया। पत्र की सूचना पर पालिका के प्रारूप अधिकारी कैलाश मीणा, जिनके पास पूर्व में कानोड़ अधिशासी अभियंता का चार्ज था, उन्होंने थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे नाम का दुरुपयोग कर फर्जी साइन और सील से अज्ञात लोगों ने पट्टे उठा लिए, जिसकी जाँच की जाए। इस पूरे मामले पर तहसील ऑफिस से पट्टों की जो पत्रावली मांगी गई उनमें अब्दुल सत्तार पिता दाऊद मंसूरी, मदनलाल खटीक पिता सुखलाल खटीक, प्रकाश कुमार पिता छोगालाल जोशी, लोकेश पिता उदयलाल मेहता, शीलाबेन वसीटा व कमला शंकर सीमाली के पट्टों की जानकारी मांगी गई है, जिसमें तहसीलदार ने सारे पट्टे संदिग्ध बताए हैं जो नगर पालिका द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। कानोर तहसील द्वारा 6 पत्रावलियों का मूल पत्रावली यहाँ से मांगी गई वर्तमान अधिशासी अधिकारी द्वारा। वर्तमान अधिशासी अधिकारी ने मुझे संपादित करने के लिए कहा गया कि इनका रिकॉर्ड संपादन करें, जिसमें जब मेरे पास अधिशासी अधिकारी का चार्ज था उस समय इन तहसीलदार साहब ने 6 पट्टों के लिए पत्रावली मंगाई, जिसमें से 4 पट्टे ऐसे हैं जिनका मेरे कार्यकाल में कोई पट्टे जारी नहीं किए, जिसमें से 3 पट्टे तो ऐसे जारी हो चुके हैं जिनकी ना तो नगर पालिका में पत्रावली जमा हुई है ना हमको कभी मिली है, और एक पत्रावली ऐसी है जिसमें प्रकरण चलने के कारण उसको पट्टा नहीं दिया जा सकता है। ये मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने कानोड़ पुलिस थाने में जाके अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसमें मेरे फर्जी साइन, फर्जी सील, पूर्व चेयरमैन दुर्गा मीणा के भी फर्जी साइन कर रखे हैं, ये मेरे संज्ञान में आया है, इसलिए मैंने ये मामला दर्ज कराया है।